Hello students, welcome back to my channel Pragya BNM English Literature. So guys, in this video today we are going to study about the topic Kabir the English Writings of Rabindranath Tagore. तो इसमें हम कबीर दास की टू पोइट्रीज को डिस्कस करेंगे, दैट इज ट्रांसलेटेड बाय आर एन टैगोर. सो यू कैन सी हियर ऑन वाइट बोर्ड दिस इज गिवन इन यूनिट फोर पोइट्री. तो यूनिट फोर पोइट्री में हम कबीर द इंग्लिश राइटिंग्स ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर को डिस्कस करेंगे. इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारी पोइट्रीज को स्टडी कर लिए हैं, टू पोइट्रीज में रह गई थी, तो आज हम उसको कंप्लीट कर लेंगे. तो ये यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे यूनिट फाइव. और इसके पहले हमने यूनिट फोर में बहुत सारा पॉइंट्स डिस्कस कर लिया है, तो वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे सर्च करना है बी ए पार्ट टू सेमेस्टर फोर इंडियन लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन. तो वहाँ पे आपको यूनिट फर्स्ट से लेकर के यूनिट फोर तक के जितने भी वीडियोज़ हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, सभी वीडियोज़ वहाँ पे आपको मिल जाएंगे. ओके, एंड दिस इज़ फॉर ऑल यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी. एज यू ऑल नो, सभी के लिए कॉमन सिलेबस है, तो सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो है. एंड इसके अलावा अगर आप इंडिया के किसी अदर स्टेट से भी वीडियो वॉच कर रहे हैं, आपके सिलेबस में दिया हुआ है कबीरदास का द इंग्लिश राइटिंग्स ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर. सो वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है. लेट्स कंटिन्यू टुडेज वीडियो. ओके, सो लेट्स रीड. सो वर्स नंबर 53, वर्स नंबर 53 से आज हमें स्टडी करना है कौन मुरली शब्द सुन आनंद भयो. दिस इज हिंदी, रिटन बाय कबीरदास और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने. व्हाट इज द फ्लूट. ओके, लेट्स रीड द लाइन्स. आई विल एक्सप्लेन इट सो यू विल अंडरस्टैंड इजली. ओके, सो लाइन्स आर व्हाट इज दैट फ्लूट हुज म्यूजिक थ्रिल्स मी विद जॉय. द फ्लेम बर्न्स विदाउट ए लैम्प, द लोटस ब्लॉसम्स विदाउट ए रूट, flowers bloom in clusters, the moon bird is devoted to the moon, with all its heart the rain bird longs for the shower of rain, but upon whose love does the lover concentrate his entire life. तो इसे राइट किया है आर एन टैगोर ने, हिंदी में इसको राइट किया था कबीरदास जी ने. ओके, सो लेट्स रीड. सो व्हाट इज दैट फ्लूट हुज म्यूजिक थ्रिल्स मी विद जॉय. सो कबीरदास सेज, कबीरदास जी कहते हैं कि वो कौन सी मुरली बज रही है, फ्लूट मीन्स मुरली, जो मुझे आनंदित कर रही है, दैट थ्रिल्स मी विथ जॉय. ओके, द फ्लेम बर्न्स विदाउट ए लैम्प, दैट मीन्स कि जो वो कौन सी लौ जल रही है बिना प्रकाश के, विदाउट ए लैम्प. द लोटस ब्लॉसम्स विदाउट ए रूट, कि जो लोटस है वो ब्लूम हो रहा है, खिल रहा है विदाउट रूट, बिना जड़ के. फ्लावर्स ब्लूम इन क्लस्टर्स, और जो फ्लावर्स हैं वो खिल रहे हैं, ब्लूम हो रहे हैं ग्रुप में, क्लस्टर्स में होता है ग्रुप, समूह में. एंड द मून बर्ड इज डिवोटेड टू द मून. मून बर्ड मीन्स चकोर, जो चकोर पक्षी होता है वो क्या है, वो मून की ओर देखता रहता है, उसकी ओर डिवोटेड है. एंड विथ ऑल इट्स हार्ट द रेन बर्ड बिलोंग्स फॉर द शावर ऑफ रेन. सो यहाँ पे रेन बर्ड की मीनिंग है चातक पक्षी. चातक पक्षी के बारे में भी आपने सुना होगा. सो जो चातक पक्षी है, जो रेन बर्ड है, वो क्या है, वो बारिश की एक बूंद के लिए वो उसकी तरफ देखता रहता है, उसकी कमी को फील करता है, लॉन्ग्स मीन्स उसकी कमी. एंड लास्ट लाइन, बट अपॉन हुज लव डज द लवर कॉन्सेंट्रेट हिज इंटायर लाइफ. और किसके लव के लिए जो लवर है उसने अपनी इंटायर लाइफ को कॉन्सेंट्रेट कर दिया है उस लव के लिए. ओके, सो कहने का सेंस ये है यहाँ पे जो कबीरदास जी ने कहा है, दैट मीन्स ही सेज कि जो मुरली है, फ्लूट है, वो बज रही है और उनका जो मन है वो क्या हो रहा है, आनंदित हो रहा है खुशी से. जो लौ है वो बिना प्रकाश के जल रही है, और जो लोटस है, कमल है, वो बिना जड़ के ही खिल रहे हैं, फ्लावर्स ब्लूम हो रहे हैं ग्रुप में, और जो मून बर्ड है, जो चकोर है, वो चंद्रमा की ओर आकर्षित है, उसकी ओर डिवोटेड है. एंड जो चातक पक्षी है वो वर्षा की एक बूंद की कमी को महसूस करता रहता है. डैट मीन्स यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि जिस तरह से जो मून बर्ड है वो मून की ओर डिवोटेड है, और जो चातक पक्षी है वो बारिश की एक बूंद के लिए कमी को महसूस करता रहता है, उसी तरह से उनका जो लव है, यहाँ पे जो लास्ट लाइन दी गई है, बट अपॉन हुज लव डज द लवर कॉन्सेंट्रेट हिज इंटायर लाइफ. सो हियर कबीरदास सेज दैट व्हेन ही फॉल इन लव ही बिकेम द कंपेनियन ऑफ संत. तो यहाँ पे लवर के मीन्स को आप समझ सकते हैं संत से. ओके, जस्ट एज मून बर्ड इज डिवोटेड टू द मून एंड द रेन बर्ड इज लॉन्ग्स फॉर द शावर ऑफ रेन, उसी तरह से ही कबीरदास वो जो संत होते हैं उनके इंटायर लाइफ के लिए उनके कंपेनियन बन जाते हैं, उनके फ्रेंड बन जाते हैं. सो दैट इज द पोइट्री रिटन बाय कबीरदास,
हिंदी टाइटल है इसका कौन मुरली शब्द सुन आनंद भयो एंड व्हाट इज द फ्लूट, इसको राइट करा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। एंड अब हम लोग नेक्स्ट पोइट्री को रीड कर लेते हैं। सो अभी कबीरदास की नेक्स्ट पोइट्री को स्टडी कर लेते हैं। ओके सो लेट्स रीड द नेक्स्ट पोइट्री वर्स नंबर 69। ओके हिंदी टाइटल इज जो खुदा मस्जिद वसत है, इंग्लिश में इसका टाइटल है इफ गॉड बी विद इन दी, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ओके लेट्स रीड द लाइंस। इफ गॉड बी विद इन द मास्क देन टू हुम डज दिस वर्ल्ड बिलोंग, इफ राम बी विद इन द इमेज विच यू फाइंड अपॉन योर पिलग्रिमेज देन हु इज देयर टू नो वॉट हैपन्स विदाउट, हरि इज इन द ईस्ट अल्लाह इज इन द वेस्ट, लुक विद इन योर हार्ट फॉर देयर यू विल फाइंड बोथ करीम एंड राम, ऑल द मेन एंड वीमेन ऑफ द वर्ल्ड आर हिज लिविंग फॉर्म्स, कबीर इज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड ऑफ राम, ही इज माई गुरु ही इज माई पीर। तो बहुत अच्छे से ये पोइट्री है कबीरदास जी ने राइट करी है, मीनिंग समझते हैं। ही सेज दैट इफ गॉड बी विद इन द मास्क देन टू हुम डज दिस वर्ल्ड बिलोंग, इफ गॉड कि यदि जो ईश्वर है वो मंदिरों मस्जिदों में रहते हैं तो जो बाहर का जो वर्ल्ड है उसको कौन चला रहा है, उसकी देखरेख कौन कर रहा है। दैट मीन्स कबीरदास वांट्स टू से कि अगर ईश्वर मंदिरों मस्जिदों में निवास करते हैं तो बाहर की दुनिया को कौन चला रहा है। इफ राम बी विद इन द इमेज विच यू फाइंड अपॉन योर पिलग्रिमेज एंड देन हु इज देयर टू नो वॉट हैपन्स विदाउट, हरि इज इन द ईस्ट अल्लाह इज इन द वेस्ट। आगे कहते हैं कबीरदास कि जो हरि हैं वो ईस्ट में रहते हैं, अल्लाह हैं जो वो वेस्ट में रहते हैं। दैट मीन्स कि जो हिंदू रिलीजन्स के लोग होते हैं वो ईस्ट साइड में प्रे करते हैं और जो मुस्लिम्स होते हैं वो अल्लाह को वेस्ट साइड में प्रे करते हैं। बट कबीरदास सेज लुक विद इन योर हार्ट फॉर देयर यू विल फाइंड बोथ करीम एंड राम, कि अपने हृदय में देखो, अपने हृदय में देखो वहाँ पर तुम राम और रहीम दोनों को देख लोगे, तुम्हारे अंदर ही ईश्वर निवास कर रहे हैं। ऑल द मेन एंड वीमेन ऑफ द वर्ल्ड आर हिज लिविंग फॉर्म्स, जो बाहर के वर्ल्ड में मेन एंड वीमेन रह रहे हैं वो ईश्वर का ही क्या है, लिविंग फॉर्म है, उनका सजीव रूप है। कबीर इज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड ऑफ राम, आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जो मैं हूँ कबीरदास, मैं अल्लाह और राम दोनों का ही चाइल्ड हूँ। ही इज माई गुरु ही इज माई पीर, कि वो मेरे गुरु भी हैं और मेरे पीर भी हैं। तो बहुत ही अच्छे से पोइट्री है, इसको राइट करा है कबीरदास जी ने, उनके कहने का सेंस बहुत अच्छा है। ही वॉन्ट्स टू से डैट कि हमें ईश्वर को मंदिर मस्जिद में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे अंदर ही निवास करते हैं, वो हमारे अंदर ही हैं। अगर वो मंदिर मस्जिदों में रह रहे हैं तो फिर बाहर की दुनिया को कौन चला रहे हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट 5 को स्टार्ट करेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लाइक इट, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, टाइम टू टाइम आप कोई भी वीडियो मिस न करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप रीडिंग कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। गॉड ब्लेस यू।